तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने सक्सेस टू यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर हिंदी सेकेंड मॉडल पेपर के बारे में। आज के इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन होने वाले सारे आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं और इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम आने वाले हैं तो आप लोगों को अच्छे से पढ़ाई भी करनी चाहिए, ठीक है। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा लास्ट तक। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है आज की सीरीज में, वो है निम्न में से सूर साहित्य किसका ग्रंथ है। ऑप्शन ए के पद्म सिंह, बी नंबर राम कुमार वर्मा, और सी नंबर हजाय प्रसाद, और डी नंबर सूरदास। और मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन और देना बताना चाहूँगा कि आज के इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है वो हमारे आचार्य हजाय प्रसाद द्विवेदी जी से रिलेटेड होने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को नहीं मालूम है, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हजाय प्रसाद जी के कुछ ही क्वेश्चन थे और बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट भी आए थे कि हजाय प्रसाद जी से रिलेटेड सर कोई और भी वीडियो बनाइए। तो मैंने फाइनली वो बनाई है। वीडियो को पूरी देखिएगा, आपको इस पूरी सीरीज में कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जिस स्टूडेंट को मालूम है कमेंट करके बता सकते हैं, क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, हजाय प्रसाद द्विवेदी जी। मैंने हजाय प्रसाद लिख दिया है द्विवेदी जी और आचार्य नहीं लिखा, तो आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। और अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इनमें से हजाय प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ पर हुआ था। नंबर एक है गोंडा में, बी नंबर छपरा में, और सी नंबर काशी में, और डी नंबर है बलिया जिले में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, बलिया में। हजाय प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म हुआ था वो बलिया में होता, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगे प्लीज़ उसे स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा या फिर उसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे आपको हेल्प मिल जाए। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है कि देवदारू किस प्रकार का निबंध है। तो ऑप्शन है कि विचारात्मक, बी नंबर शैलात्मक, और डी नंबर है ललित, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, ललित, ठीक है। देवदारू जो है वो ललित निबंध है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको मालूम हो गया, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, पुनर्नवा किसका उपन्यास है। नंबर एक दिनकर, बी नंबर हजाय प्रसाद, और डी नंबर सी नंबर है कुबेरनाथ, और डी नंबर है रामविलास शर्मा। तो पुनर्नवा जो उपन्यास है वो आप लोगों को मालूम ही हो गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम बात करें आचार्य हजाय प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, आचार्य हजाय प्रसाद द्विवेदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। क्योंकि मैं यहाँ पर इस चैनल पर बहुत सारी वीडियो अपलोड करता हूँ बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से रिलेटेड, ठीक है। और मेरी जो शाम की क्लासेज है वो 7 बजे प्रत्येक दिन अपलोड की जाती हैं, तो आप प्लीज़ शाम को 7 बजे डेली क्लास अटेंड करिए। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है कि कुटज किसका निबंध संग्रह है। नंबर एक धर्मवीर भारती, बी नंबर है अज्ञे, और सी नंबर हजाय प्रसाद द्विवेदी जी, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपको पता ही हो गया होगा, कुटज, ध्यान दीजिएगा, कुटज किसका निबंध संग्रह वो है आचार्य हजाय प्रसाद द्विवेदी का। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निबंधकार ने किस वृक्ष को अर्थातीत छंद कहा। ऑप्शन है कि अशोक को, बी नंबर देवदारू को, और सी नंबर है आम को, और डी नंबर है ऋषिस को, ठीक है, शिशिस को, सीरीस को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा क्या हो जाएगा, जिन स्टूडेंट को मालूम बेशक कमेंट करके बताएं हमें। ओके, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर देवदारू, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि ब्रज किसका निबंध संग्रह है। ऑप्शन ए के यशपाल का, बी नंबर हजाय प्रसाद का, और सी नंबर है पंत का, और डी नंबर है निराला का। तो राइट आंसर आप लोगों को मालूम ही हो गया होगा, हजाय प्रसाद हो जाएगा बी नंबर। ओके, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है दोस्तों आपके सीरीज में कि निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज किसने माना है। ऑप्शन ए के हजाय प्रसाद, बी नंबर महादेवी वर्मा, और सी नंबर है रामचंद्र शुक्ल। तो राइट आंसर आपको दोस्तों मालूम ही हो गया होगा कि हजाय प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन का मतलब समझिएगा फिर आंसर दीजिएगा, क्योंकि आज की जो भी मैं वीडियो बताता हूँ एक सेपरेट लेखक या कवि के बारे में बनाता हूँ, ठीक है। तो आपको जो एग्ज़ाम होगा उसमें सिर्फ एक ही लेखक या एक ही कवि के क्वेश्चन नहीं आएंगे, मैं क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को क्वेश्चन को सही से समझना है, क्योंकि एग्ज़ाम में जैसे कोई क्वेश्चन ये आ गया तो आप कंफ्यूज हो जाएं कि ये आप सोचेंगे कि ये महादेवी वर्मा की कृति है या रामचंद्र शुक्ल जी ने ये बात कही थी, ठीक है, या उनकी ये पंक्ति है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको कंफ्यूज जरा से भी नहीं होना है, सही से समझिएगा फिर उसका आंसर दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि तुम देवता के दुलारे हो, महादेव के प्यारे हो, तुम धन्य हो, ये पंक्ति किस निबंधकार की है? तो राइट आंसर आपको मालूम ही हो गया होगा, मैं बता दूँ, सी नंबर हो गया है, हजाय प्रसाद द्विवेदी जी। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तुम देवता के दुलारे हो, महादेव के प्यारे हो, और प्यारे हो तुम धन्य हो, ठीक है, राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्न में से हजारी प्रसाद अनुदित ग्रंथ कौन सा है, अनुदित ग्रंथ कौन सा है? तो ऑप्शन ए के अशोक के फूल, बी नंबर है मेरा बचपन, सी नंबर कबीर, और डी नंबर देवदारू। तो अब बात करते हैं इसके राइट आंसर की। जो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा क्या, हो जाएगा मेरा बचपन, बी नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अनुदित ग्रंथ इनके और भी हैं, लेकिन जो इस वीडियो में बता रहा हूँ बचपन हो जाएगा, ठीक है। निम्न में बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास किसका ग्रंथ है? नंबर एक नागार्जुन, बी नंबर रामकुमार वर्मा, सी नंबर दिनकर, और डी नंबर हजारी प्रसाद। तो राइट आंसर आपको मालूम ही होगा बाण भट्ट की आत्मकथा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की आत्मकथा है। ओके, नेक्स्ट राइट आंसर इसका डी नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्न में से आधुनिक हिंदी साहित्य पर विचार किसका ग्रंथ है? एक ग्रंथ है जिसका नाम है आधुनिक हिंदी साहित्य का विचार, ये किसका है? आपको राइट आंसर मालूम ही होगा, बताने की आवश्यकता ही नहीं है, बेशक आप कमेंट करके गेस भी करिए कि किसका है। राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विचार और वितर्क किसका निबंध संग्रह है? निराला रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद, और डी नंबर राम कुमार वर्मा। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, हजारी प्रसाद जी। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से आपके पाठ्यक्रम में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा निबंध संकलित है? इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपके बीए फर्स्ट ईयर हिंदी में जो आचार्य हजारी प्रसाद जी का जो भी लेसन है या जो भी इनका पाठ है वो कौन सा है? तो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं विचार प्रवाह और देवदारू, विचार और वितर्क, और डी नंबर आलोक पर्व। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा राइट आंसर इसका हो जाएगा देवदारू, ठीक है, बी नंबर। आचार्य हजारी प्रसाद जी का जो बीए फर्स्ट ईयर हिंदी में पाठ है वो है देवदारू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हिंदी साहित्य उद्भव और विकास किसका ग्रंथ है? नंबर एक हजारी प्रसाद, बी नंबर महादेवी वर्मा, सी नंबर राम कुमार वर्मा, और डी नंबर है गुलाब राय। ओके, तो क्वेश्चन का राइट आंसर आपको मालूम ही होगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएंगे राइट आंसर इसका, ठीक है, ए नंबर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है कि कालिदास की ललित योजना किसका ग्रंथ है? राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, हजारी प्रसाद जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद का अनुदित ग्रंथ कौन सा है? अभी ये क्वेश्चन आपने शायद ऊपर पढ़ा ही था, मैंने बताया था कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेरा बचपन, ठीक है, इनके और भी अनुदित ग्रंथ हैं, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा क्या, हो जाएगा लाल कनेर, ए नंबर। ओके, इस क्वेश्चन में राइट आंसर लाल कनेर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। निम्न में से अर्थ मात्र जाति है, छंद मात्र व्यक्तित्व है, कथन किसका है? राइट आंसर आपको मालूम ही होगा कि आज किस वीडियो में किसकी बात कर रहे हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसलिए राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सीरीज में ये है दोस्तों कि चारुचंद लेख किसका उपन्यास है? महावीर प्रसाद का, यशपाल का, अज्ञेय का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। चारुचंद लेख, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्न में से साहित्य का मर्म किसका ग्रंथ है? राइट आंसर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएंगे, बी नंबर। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्न में से मृत्युंजय रविंद्र किसका ग्रंथ है? राइट आंसर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। जितने भी इनके कृति हैं, जितने भी रचना, जितने भी ग्रंथ हैं, जिनके भी निबंध संग्रह है, उपन्यास हैं, सबको आपको अच्छे से क्वेश्चन को समझ लेना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कन्फ्यूजन जरा सा भी ना हो, इसलिए मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। वीडियो आप एक बार फिर से देख लीजिएगा अगर कन्फ्यूजन होगी तब, ठीक है, वीडियो ये पूरी देखिए, उसके बाद दोबारा से फिर देख लीजिएगा तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर नामक ग्रंथ किसका है? कबीर एक ग्रंथ है, ठीक है, वो किसका है, वो किन्होंने लिखा है, ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद जी, बी नंबर। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि कल्पता किसका निबंध संग्रह है? नंबर एक निराला, हजारी प्रसाद, हरिवंश राय,
और टी नंबर है पंत। तो राइट आंसर हो जाएगा हजाय प्रसाद जी, कल्पता हजाय प्रसाद देवी जी का निबंध संग्रह है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आचार्य हजाय प्रसाद द्विवेदी का निधन कहाँ हुआ था। नंबर एक दिल्ली में, बी नंबर बनारस में, और सी नंबर है अमृतसर में, डी नंबर है बैंगलोर में। तो आचार्य हजाय प्रसाद जी का जो निधन हुआ था कहाँ हुआ था, जिन स्टूडेंट को मालूम है राइट आंसर बेशक कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, आपके पास 5 सेकेंड का टाइम है। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों दिल्ली, ए नंबर, आचार्य हजाय प्रसाद द्विवेदी का जो निधन हुआ था वो दिल्ली में हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि आचार्य हजाय प्रसाद द्विवेदी का देहांत कब हुआ था। अभी ऊपर क्वेश्चन था कि कहां पर हुआ था, अब क्वेश्चन आ रहा था, अब आ रहा है कि कब हुआ था। तो ऑप्शन एक है 1995, बी नंबर है 1990, और सी नंबर है 1979, और डी नंबर है 1985 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि इसका राइट आंसर पहले बता देते हैं। ठीक है, राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों सी नंबर 1979, सी नंबर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल किसका ग्रंथ है। आपको राइट आंसर मालूम ही होगा, बताने की जरूरत ही नहीं है, डी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आचार्य हजाय प्रसाद द्विवेदी जी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अशोक के फूल किसका निबंध संग्रह है। राम कुमार वर्मा, बी नंबर हजाय प्रसाद, सी नंबर महावीर प्रसाद, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर हजाय प्रसाद द्विवेदी जी। आपके जो एग्ज़ाम होंगे दोस्तों, जिनका जिन स्टूडेंट का एग्ज़ाम ओमार शीट पे होगा, जहाँ पर आप लोगों को एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा, एक ओमार शीट पर मिलेगी, जहाँ पर आप लोगों को गोला बनाना होगा जो राइट आंसर होगा। ए बी चार ऑप्शन होंगे, जिसमें से जो राइट होगा उस पर आपको गोला बना देना है। ठीक है, तो इस प्रोसेस में आपको ध्यान देना है कि ऐसे ही आपको ऑप्शन मिलेंगे, उसमें राम कुमार वर्मा जी, हजाय प्रसाद द्विवेदी जी, उसी में जो राइट आंसर होगा वो भी होगा। तो आपको ध्यान से देखना है, ठीक है, कि का नंबर ही सिलेक्ट कर रहे हैं या खा नंबर सिलेक्ट कर रहे हैं, जो भी है सही से दीजिएगा एग्ज़ाम। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राइट आंसर आपको पता ही होगा इसका, बी नंबर हजाय प्रसाद। तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अशोक के फूल किसका निबंध संग्रह है। तो राइट आंसर आपको मालूम ही होगा कि राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, हजाय प्रसाद द्विवेदी जी, टिक कर देते हैं हजाय प्रसाद द्विवेदी पर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से हजाय प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन एक है 1950, बी नंबर है 1890, और सी नंबर 1907, और डी नंबर है 1920। तो हजाय प्रसाद जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था किस सन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा भी कई बार जा चुका है, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर 1907 ईस्वी में हजाय प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था अभी ऊपर मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बताया था, बलिया जिला, जो भी बताया था आप देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजाय प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। ऑप्शन ए के 15, बी नंबर 5, और सी नंबर 3, और डी नंबर 12। तो हजाय प्रसाद द्विवेदी के जो निबंध हों, उनके निबंध हैं, उनको जो जितने भागों में डिवाइड किए जा सकते हैं, उनकी जो संख्या है वो है, वो संख्या है 5। इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर। ओके, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्न में से साहित्य सहचर किसका निबंध संग्रह है। एक साहित्य सहचर निबंध संग्रह है वो किसका है। ऑप्शन एक है बिहारी लाल निराला जी, हजाय प्रसाद द्विवेदी, और डी नंबर रामकुमार वर्मा जी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों, आपको मालूम ही हो गया होगा, हजाय प्रसाद जी, आचार्य हजाय प्रसाद द्विवेदी जी राइट आंसर हो जाएगा, साहित्य सहचर निबंध संग्रह है। ओके, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतने क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो बेशक कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा, हम उसका 100% रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करते हैं। वीडियो स्किप मत करिएगा, अभी देखते रहिए, मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। वीडियो के डिस्कशन मेरे वेबसाइट है, ठीक है, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्कशन में डाल दूंगा। ठीक है, तो उस वेबसाइट पर आप क्लिक करके आप वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे, रिडायरेक्ट हो जाएंगे, तो वहाँ पर आपको बहुत सारे तुलसीदास, कबीरदास, रहीम जाव जिससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में जो आने वाले हैं आपके, वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी वहाँ से हेल्प मिल जाएगी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप ग्रुप है, उससे ज्वाइन हो जाए, जो भी आपके क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप उससे ज्वाइन हो जाए, मैं उस पर सोल्यूशन कर देता हूँ। प्रत्येक दिन मैं PDF भी प्रोवाइड कर देता हूँ क्वेश्चन आंसर के साथ। ओके, बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मीट यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय दोस्तों।